किसान भारत के विकास की रीढ़ की हड्डी है। किसान को हम अन्नदाता कहते हैं। ये कब तक चलेगा? देश के साथ खिलवाड़ कब तक चलेगा? सभापति महोदय, एक विषय पूरे भारत में आज चिंता का विषय बना है। इसमें कोई दो राय नहीं कि किसान भारत के विकास की रीढ़ की हड्डी है। किसान को हम अन्नदाता कहते हैं, क्योंकि किसान अपना पेट नहीं भरता, किसान अपने गांव का पेट नहीं भरता, किसान अपने जिले का पेट नहीं भरता, लेकिन आज किसान पूरे विश्व का पेट भरता है। और इसी सोच और विचार के साथ सभापति महोदय, हमारी सरकार ने ये 3 कृषि कानून हम लेके आए हैं, ताकि कृषि के क्षेत्र में नया विकास हो, नई प्रगति हो। सोच और विचारधारा है कि जो राजनीतिक आजादी हमें मिली थी 70 साल पूर्व, लेकिन 70 साल से जब तक किसान बेड़ियों में जकड़ा गया है, उन बेड़ियों को तोड़कर किसान को विकास और प्रगति के रास्ते पर प्रशस्त करना, ये एनडीए सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा संकल्प है। किसान का आय दुगना हो, किसान को स्वतंत्रता मिले कि वो अपना उत्पादन देश में कहीं भी बेच पाए, एक ही जगह तक वो किसान सीमित क्यों हो, और इसलिए ये कानून लाए गए। और जरूर संवाद होना चाहिए, जैसे मेरे भाई मनोज जी ने कहा, 11 बार सरकार ने संवाद की है। जब डेडलॉक हुआ है तब सरकार ने यह भी कहा है कि तीनों कानून को हम 18 महीनों के लिए स्थगित करेंगे। लेकिन इस बात का मुझे आश्चर्य है कि जिन लोगों ने ऐसे ही कानून की वकालत की थी, आज वो क्या कह रहे हैं। 2019 का अगर हम कांग्रेस पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र पढ़े सभापति महोदय, और आपके समस्त में रखना चाहता हूं, इस चुनाव घोषणा पत्र में अंक नंबर 11 में लिखा है, एंड आई कोट, कांग्रेस विल रिपील, आई रिपीट, विल रिपील द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज एक्ट एंड मेक ट्रेड इन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स एंड इंटरस्टेट ट्रेड फ्री, आई रिपीट, फ्री फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शन। उस समय के हमारे कृषि मंत्री जी परम आदरणीय शरद पवार जी ने 2010 में और 11 में हर एक मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी इसी संदर्भ में, और मैं कोट करना चाहता हूं जो शरद पवार जी ने हर एक मुख्यमंत्री को चिट्ठी में लिखा था। एज यू आर अवेयर, the agriculture sector needs well functioning markets to drive growth, employment and economic prosperity in rural areas of the country. This requires huge investments in marketing infrastructure including the cold chain, and for this private sector participation is essential. I repeat, and for this प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इज असेंशियल, निजी क्षेत्र का निवेश अनिवार्य है, फॉर विच अ पॉलिसी एनवायरमेंट नीड्स टू बी इन प्लेस। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द नीड टू अमेंड द प्रेजेंट स्टेट एपीएमसी एक्ट ऑन द लाइंस ऑफ द मॉडल स्टेट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट 2003 टू इनकरेज द प्राइवेट सेक्टर, आई रिपीट, द प्राइवेट सेक्टर in providing alternative competitive marketing channels in the overall interest of farmers and producers and consumers cannot be overemphasized, unquote. तो आज सहमति है, तो सहमति है, तो सहमति है। अगर आपको इसमें कोई आपत्ति है तो जरूर बताएं, कई चीजों में सहमति होनी चाहिए।
प्रश्न ये है अध्यक्ष सभापति महोदय कि ये जुबान बदलने की आदत हमें बंद करनी होगी। चट भी मेरा और पट भी मेरा, ये कब तक चलेगा? देश के साथ खिलवाड़ कब तक चलेगा? जो आपने तब कहा था उस पर आप अडिग रहेंगे तो आपका भी मान सम्मान बढ़ेगा। प्रश्न यह है द हिपोक्रेसी वुड नॉट हैव बीन देयर इफ यू हैड नॉट डन द हिपोक्रेसी विद द पीपल। प्लीज अंडरस्टैंड दैट, लेट अस नॉट गेट इनटू पर्सनल। प्रश्न यह है सभापति महोदय कि जिस सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के लागत से 1.5 गुना बढ़ोतरी की हो, जिस सरकार ने गेहूं के भुगतान में 2013-14 में जो 34,000 करोड़ रुपए किसानों का भुगतान होता था उसे 5 साल के अंदर डबल से ज्यादा करके 75,000 करोड़ किया हो, जिस सरकार ने दाल के मुद्दे पर 2013-14 में जो 236 करोड़ रुपए का केवल देश के सारे किसानों को भुगतान किया गया था उस 236 करोड़ को बढ़ाकर 40 गुना 10,550 करोड़ किया हो, जिस सरकार ने हमारे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, दक्षिण मध्य प्रदेश के कपास के किसानों के लिए जो 2013-14 में केवल 90 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ किया था उसको 300 गुना बढ़ाकर 26,000 करोड़ किया हो, जिस सरकार ने किसानों के सम्मान के लिए 6,000 रुपया हर साल 1,13,000 करोड़ किसानों के खातों में पहुंचाया हो, जिस किसानों ने कृषि के अधोसंरचना के लिए नया फंड तैयार किया हो 1,00,000 करोड़ का, जिस सरकार ने फसल के नुकसान के लिए फसल बीमा योजना लागू करके 5 साल के अंदर 90,000 करोड़ रुपए मुआवजा के रूप में किसानों के खाते में पहुंचाया हो, वो सरकार किसानों के विकास और प्रगति के लिए कटिबद्ध थी, कटिबद्ध है और कटिबद्ध रहेगी।